Hi guys, I'm Ashok here. In Success Mantra, today I am going to talk about how and why. These two words are very important, and the most important is why. दो शब्द हमारे जीवन में हमेशा आते हैं, क्यों और कैसे. कुछ भी काम करना हो तो अपन कहते हैं ना क्यों और फिर कैसे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्यों. वाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कैसे तो अपने आप होता चला जाता है. जैसे आई विल गिव एन सिंपल एग्जाम्पल. यदि आप पानी में डूब रहे हैं तो बचना क्यों ज़रूरी है, इसका आंसर नहीं चाहिए. क्योंकि आप नहीं बचेंगे, पानी से बाहर नहीं निकलेंगे एक मिनट में, आधे मिनट में, तो आपकी सांसें थम जाएंगी, विल डाई. अब कैसे कैसे आपको स्विमिंग नहीं आती, फिर भी आप हाथ पाँव मारेंगे, आवाज़ देंगे, चिल्लाएंगे, किसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे. तो प्रॉब्लम इज़ इन आवर लाइफ इज़ अपना क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है. अपने को ऐसा क्यों करना है ये अपने को समझ में आ जाए तो हम कैसे अपने आप निकाल लेंगे. आई गिव एन एग्जाम्पल. आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई है आपसे, उसका वजन हो सकता है आपसे ज़्यादा हो और वो बेहोश होकर गिर जाए, भगवान ना करे, तो आप उसको उठाकर कार में अपने रख लेंगे या टैक्सी में रख लेंगे. अब कैसे किया आपने ये बताना भी असंभव है. लेकिन क्यों वाज इम्पोर्टेंट. आप उसको जल्दी से उठाते नहीं, कार से या टैक्सी से लेकर अस्पताल लेके नहीं जाते तो मर भी सकता था. तो क्यों वाज सो इम्पोर्टेंट कि कैसे अपने आप होते चले जाएंगे. आई विल गिव एन एग्जाम्पल्स. यू नो लोग इतने करने की इतनी क्षमता थी, इतनी सोच थी, क्षमता ना होते हुए भी लोगों ने बहुत काम किए. हेलन किलर, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, डीफ एंड डम, उसने दुनिया को इतना सा योगदान दिया. शी वॉज फ्यूचर टेलर. टेक द एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन, हु रोज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी अमेरिका. कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक लकड़हारे का बेटा, लकड़ी काटने वाले के बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा. कैसे बना? क्योंकि उसको बनने की इच्छा थी, उसके मन में चाहत थी. तो हमारे मन में चाहत होगी तो कैसे अपने आप हो जाएगा, क्यों होना जरूरी है. हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे घर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें जाना ही जाना होता है, तो हम कैसे न कैसे पहुंच जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपन क्यों सोचते ही नहीं है, क्यों ज़रूरी है ये सोचना, तो रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे. आई गिव द स्टोरी ऑफ दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, जिसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं और शानदार मूवी है, देखना चाहिए सबको. दशरथ मांझी, उनकी वाइफ लेबर पेन में थी और कोई साधन नहीं मिला, क्योंकि वो जहाँ रहते थे वहाँ पहाड़ था, 55 किलोमीटर का पहाड़ था. ले जाते जाते उनकी वाइफ ख़त्म हो गई, मर गई. उसने कसम खाई इस पहाड़ को मैं पहाड़ से रास्ता बना के रहूँगा. और वेरी सरप्राइजिंग, आदमी ने एक छेनी और थोड़े से पूरा रास्ता बना दिया. उसके जीवन के 22 साल लग गए लेकिन उसने वो काम कर लिया. हम किसी काम को करने का ठान लेंगे तो काम होकर ही रहेगा, लेकिन काम वो नहीं होता जो हमको चाहिए. काम वो पूरा होता है जिसको हम कहते हैं चाहिए ही चाहिए. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक माई वीडियो एंड द स्टोरी. इफ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू सो मच.